आज हमारा एपिसोड है कि बहुत ही सुंदर एपिसोड है। इसका अर्थ ये हुआ कि जीव का क्या अस्तित्व है, जीव किसे कहते हैं, जीव का लक्षण है उपयोग, उपयोग को बताया गया है ज्ञान और दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है मैं सामान्य रूप से आपको देख रहा हूं, ये दर्शन है। दर्शन का दूसरा रूप होता है वो होता है श्रद्धा, फेथ, और ये प्रथम दृष्टवा होता है। और जब उसके बारे में हम थोड़ा गहरा जाते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, जिस व्यक्ति को हम देखते हैं कि व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है, किस जाति का है, इसका क्या मेंटल स्टेटस है, ये क्या कार्य करता है, ये सारा जो है ज्ञान होता है। हर वस्तु दुनिया की चाहे जड़ हो और चेतन हो, उसकी भगवान महावीर स्वामी ने उसके अस्तित्व के बारे में कहा कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सतह। भगवान महावीर जब तीर्थंकर बने और देशना प्रारंभ की केवल ज्ञान के बाद में, पहली जो देशना दी है वह यही देशना थी उत्पाद व्यय और द्रव्य। दुनिया की कोई भी वस्तु चाहे जड़ हो और चेतन हो, उसके मोड्स बदलने चाहिए, उसके पर्याय बदलने चाहिए, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है, और जो संचरण करता है हर क्षण बदलता रहता है, उसी को ही हम संसार कहते हैं। तो उसके अंदर उत्पाद और व्यय दोनों होता है। उत्पाद का मतलब उत्पन्न होना, व्यय का मतलब नाश होना, लेकिन दोनों स्थितियों के बाद भी वह वस्तु शाश्वत है। मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूँ कि एक महिला का जो पुराने बैंगल्स है वो बहुत पुराने हो गए, तो उन बैंगल्स को उसने कहा कि थोड़ा चेंज होना चाहिए, बैंगल को तोड़वा करके नेकलेस पहन लिया। अब उन बैंगल्स का जो टूटना तोड़वाना है वह व्यय हुआ और नेकलेस का बनना हुआ उत्पाद हुआ। अब दोनों स्थितियों के अंदर चाहे बैंगल हो चाहे नेकलेस हो वो सोना ही है, तो ये उसका द्रव्य हो गया, दोनों स्थितियों के अंदर सोना है। ठीक उसी तरह से हम चेतन की बात करें तो हमारे आत्मा को भी कहा गया है उपयोग लक्षण हो जीव। आत्मा सनातन सत्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा मूल, आत्मा अजर अमर है, लेकिन फिर भी वह उत्पाद और व्यय करती है। मतलब कभी दर्शन कभी ज्ञान, जब दर्शन आता है तो ज्ञान का व्यय होता है और दर्शन का उत्पाद होता है, और जब ज्ञान आता है तो ज्ञान का उत्पाद होता है, दर्शन का व्यय होता है। इसीलिए जबकि हालांकि ज्ञान और दर्शन एक ही है, आगे जाके एक चीज में मिल जाते हैं ये, लेकिन फिर भी दो की बात करना उत्पाद और व्यय के रूप के उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। इसीलिए उपयोग लक्षणों जीव कहा गया। उपयोग का मतलब है ज्ञान और दर्शन वाला है। तो हमारा ऐसा ये भीतर विराजमान मूल आत्मा प्रभु है। देखिए अभी तो ये बद्ध आत्मा है। बद्ध आत्मा क्यों है कि इसके साथ में राग द्वेष का एक वेल्डिंग है, राग द्वेष का एक बंधन है, राग द्वेष का एक फेविकोल है, और वो कार्मण शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, हमारे सांख्य की भाषा में बात करें वो जन्म जन्मांतर के साथ के अंदर अशुद्धि जुड़ी पड़ी है, जिसको कि कर्म रज कहते हैं, जिसको कि इम्प्योरिटी कहते हैं, और वो इम्प्योरिटी पौद्गलिक है। जो हमारा कर्म शरीर है उसको जैन दर्शन ने बहुत अच्छी तरह से व्याख्यायित किया है कि ये जो कर्म शरीर है ये अचेतन मन है, ये जो कौशल बॉडी है ये आठ तरह के कर्म और उसकी 148 प्रक्रियाओं का प्रकृतियों का वेयर हाउस है। वो कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 तरह की 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए उत्तर प्रकृतियों में मैं नहीं जाता हूं। और ये सारा राग द्वेष है, ये राग द्वेष जन्म जन्मांतर से भीतर पड़ा हुआ है।